नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नकली पिस्टल दिखाकर लूटपाट करने वाले तीन अपराधियों को चान्हो पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक देशी पिस्टल, एक एयरगन, लूटा गया दो मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद की गई है। गिरफ्तार अपराधियों में से एक सुनील कुमार का पहले से भी रांची के विभिन्न थानों में आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस अधीक्षक खलारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद दो अपराधियों को चान्हो थाना क्षेत्र से और एक को नारकोपी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। रांची जिला का सुदूरवर्ती थाना क्षेत्र हमारा बेरो और चान्हो है। बेरो के रहने वाले लाजरू सिमिन आज से 10 दिन पहले कुछ काम से चान्हो आए हुए थे और शाम के समय वो काम से निपटा के अपना जा रहे थे अपने घर। उसी क्रम में तीन लोग निकाबपोश और पूरी तरह से असलाह से लैस होकर इनको ओवर पावर किया और उनके पास 10,000 रुपया था वो ले लिया, उनका मोबाइल छीन लिया और बाइक जो था बाइक भी ले लिया और उनके साथ हमारे पिटाई करके उसी जंगल में एकांत में सुनसान में उनको छोड़ के आए ये क्रिमिनल लोग वहाँ से भाग। चूँकि सनसनीखेज मामला था, रोड लूट का मामला था, तो इसको हमने डीएसपी साहब के नेतृत्व में टीम का गठन किया था और सीनियर एसपी साहब को भी संज्ञान में दिया गया था। समय रहते हुए टीम लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें सुनील कुमार साहू, रवि उरांव और अनिल उरांव हैं, जो नरकोपी और चान्हो के ही रहने वाले हैं। इनके पास से ये देख रहे हैं जो तमंचा और मोबाइल लूटा हुआ, मोबाइल और दो मोटरसाइकिल बरामद हुई, एक लूटी हुई मोटरसाइकिल बरामद हुई और दूसरा जो ये लोग ओवर पावर किया था मोटरसाइकिल पे, ये लोग खुद था, वो भी कहीं ना कहीं डाउटफुल मोटरसाइकिल है, वो भी चोरी का ही मोटरसाइकिल है, उसका कोई कागजात या कोई चीज़ उसका उनके पास नहीं पाया गया। हमको ऐसा लगता है कि इनके पकड़े जाने, चूँकि इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है, चान्हो नरकोपी के और कुरू वाला मांडर वाला एरिया में कई केसेज इन लोगों के विरुद्ध में दर्ज है और इतना ये शातिराना अंदाज में काम करते हैं और मौका देख के तलाश करके और इतना कम समय में ये निपटाते हैं मैटर को और लूटपाट में को अंजाम देते हैं कि कहना बड़ा मुश्किल है। वी टाइम न्यूज़ के लिए रांची से राहुल सिंह परिहार की रिपोर्ट।